नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, अनुपात समानुपात की 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम तीसरे टाइप को कंप्लीट कर देंगे, जो कि इस बुक में टाइप 3 है। पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम टाइप 4 की शुरुआत करेंगे। ठीक है मेरे भाई, लगभग 122 तक क्वेश्चन हम कर चुके थे और अब हम चालू करेंगे 123 से। क्वेश्चन 1 से लेकर 122 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपको पता होगा हम युद्ध बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि हमने अनुपात समानुपात सबसे पहले लिया है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है फिर हम अगले चैप्टर की ओर जाएंगे और सभी चैप्टरों को हम कवर करेंगे, एडवांस हो अर्थमेटिक हो सारे के सारे। और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है भाई, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, RPF हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं करे हैं, बिल्कुल एक से लेकर क्रम से सारे सवाल चल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखिए, आपको जो सवाल नहीं आता है आप वीडियो से देख के कवर कर सकते हैं, और अगर आते भी हैं तो आप सवालों की प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग 123 से शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं सवाल के साथ। तो यहाँ सवाल हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, छोट की संख्या बताइए। आपको पता है इस पैटर्न के सवाल है ना, बहुत सारे बने हैं। देखिए ये भी RPF SI में आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास जो हुई थी उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन इस प्रकार के देखे गए थे, जो कि मैंने आपको कराए थे। ठीक है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देखिए, इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अभी हम शुरू करते हैं। जो भी नए जुड़े हैं इस सवाल को समझिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो हम बोलते हैं पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, 1:5 है, 3:5, यानी 3:5। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए, यानी 10 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक संख्या में, तो रेशियो क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है 5:7। ठीक है, हमने आपको एक डिफरेंस विधि बताई थी, बेसिक तो होता ही है लेकिन डिफरेंस विधि से सरल हो जाता है। जैसे हम बात करें इनमें डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 2 का अंतर है। मैं कहूं इसमें डिफरेंस कितने का है, तो यहां भी 2 का डिफरेंस है। हम डिफरेंस को समान बनाते हैं, डिफरेंस को समान बनाते हैं। ये 2 है तो ये भी 2 है, गुड्डू ये तो पहले से ही समान है, तो अब क्या करना है देखिएगा, समान नहीं होता तो हम समान करते। 3 से 5 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 2, और 5 से भी 7 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 2। देखिएगा 2 प्लस हो रहा है, मतलब रेशो में कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कह सकते हैं 2 की वृद्धि हो रही है। इस 2 से हम इसको भागा देंगे। ठीक है, 2 से भागा देंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। यदि 5 का गुणा हम यहां कर दें तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, और 5 का गुणा यहां कर दें तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो छोटी संख्या क्या होगी तो 15 होगी, बड़ की संख्या क्या होगी तो 25 होगी, ये हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा क्या है मेरे भाई, हमसे पूछा है छोट की संख्या बताइए, तो छोट की संख्या क्या होगी, 15 होगी, ऑप्शन नंबर C हम आंसर दे देंगे। ठीक है, तो जब दोनों में वृद्धि कर दी जाए, दोनों में कमी कर दी जाए, तो बिल्कुल आप ये तरीका लगा सकते हैं। ठीक, बहुत ही शानदार। RPF कॉन्स्टेबल में पूछा गया सवाल है, उसी पैटर्न पे सवाल है। यहां बोला है चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि कर दी जाए, दुई के वेतन में 3000 की वृद्धि कर दी जाए, तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है, चरण का वेतन क्या है? ठीक है, जिसको समझ में आया है वो वीडियो रोक के बनाइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। हम चालू करते हैं। यहां हो जाएगा भैया चरण और यहां हो जाएगा रजत। हम बताते हैं यहाँ पे इसका रेशो का दिया है तो 5:4 दिया है, और बाद में वृद्धि के बाद कितना हो जाता है तो 6:5 हो जाता है। 6:5 हो जाता है, कितने की वृद्धि करने पर, तो 3000 की वृद्धि करने पर।
अब मेरे भाई हम आपको कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस मेथड का यूज करें, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे एक का डिफरेंस है, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ भी एक का डिफरेंस है। बहुत ही प्यारा सवाल हो गया, यहाँ ऑलरेडी डिफरेंस समान है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चार से पांच हुआ, यहाँ इधर देखिए पांच से कितना हुआ, छह हुआ, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो रेशियो में एक बढ़ रहा है जो संख्या में कितना है 3000, तो एक बराबर 3000 के हो जाएगा। या फिर ऐसा करिए 3000 में भागा किससे देंगे, एक से, एक से भागा देंगे तो दोस्तों आपको भी पता है 3000 ही हमें प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 3000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगर 3000 का गुणा यहां करते हैं तो 5 × 3 = 15 कितना हो जाएगा, 15000 हो जाएगा, और 3000 का गुणा यहां करते हैं तो देखिएगा 3 × 4 कितना होगा 12000, यानी कितना हो जाएगा 12000। पहला क्वेश्चन, चरण की आय कितनी, तो बोलेंगे 15000, रजत की आय कितनी, तो 12000। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, हमसे बोला है चरण का वेतन क्या है, चरण का वेतन क्या है, तो चरण का वेतन हम बताएंगे 15000, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होगा। चले आगे सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, उसी पैटर्न पे पूछा गया है, ग्रुप डी 18 में आया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, वे मूल संख्याएं क्या है, मतलब जो संख्याएं थी वो क्या है। तो मेरे भाई इसको हम बनाते हैं, ये पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, इनका रेशियो 5:9 है, मैं लिख देता हूं। उसने बोला है प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, 6 जोड़ा जाता है, 6 जोड़ा जाए, ठीक है, 6 की वृद्धि हो जाए, एक ही बात है, तो 6 जोड़ा जाता है, तो रेशो का हो जाता है 2:3 हो जाता है। अब हम आपको यही कहेंगे रेशो मेथड का हम यूज करते हैं मेरे भाई, अंतर विधि लगाते हैं डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने का अंतर है दोस्तों, 4 का अंतर है, ठीक है, कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर है, और यहाँ आप देखें तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब डिफरेंस को इक्वल करेंगे, पिछले दो सवाल में आपने देखा होगा डिफरेंस बराबर था पहले से, अभी हम इसको इक्वल करेंगे। तो मेरे भाई देखिएगा आप यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये 4 है, तो हम इसे कैसे 4 बनाएं, तो यू करके 4 मत बना देना, ठीक है, इसको 4 कैसे बनाएंगे, 4 का गुणा करके, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो मेरे भाई इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये बताइए 4 दुना कितना होगा 8, ये 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो जो नया रेशो आएगा वो 8:12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने की वृद्धि हो रही है रेशो में, तो 5 से 8 हुआ, कितना प्लस हो रहा है 3। अच्छा आप यहां भी देख सकते हैं 9 से 12 हुआ, कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, तो जो 3 होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 6 को 3 से भाग दे देते हैं, अगर 3 से भाग दे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, काम खत्म। मूल संख्याएं बताइए, यानी पहले जो संख्या थी हमें वो बताना है, तो इस 2 का गुणा यहां करेंगे तो 5 दुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इस 2 का गुणा यहां करेंगे तो 9 दुनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, 2 का गुणा यहां करेंगे 5 दुना 10, पहली संख्या 10 होगी, 2 का गुणा यहां करेंगे 9 दुनी 18, दूसरी संख्या 18 होगी, तो 10 और 18 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, बल्ले बल्ले, ठीक है भाई आगे चले। ये सवाल है, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात 5:7 हो जाता है, ठीक है, प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। सेम उसी प्रकार का सवाल है, रेशियो सेम बनाना है, रेशियो सेम बना के आपको आंसर देना है, सॉरी डिफरेंस सेम करना है, जो भी अंतर होगा उसको सेम करिएगा, रेशियो बनाइएगा, और रेशियो बनाने के बाद आप आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ RW में, ठीक है भाई, जो भी वीडियो को देख रहा है इसका आंसर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 126 रफ वर्क करिएगा। हम चलते हैं 127 की ओर, 127,
ये भी वैसा ही लग रहा है, लेकिन अनुपात बड़े बड़े हैं तो मैं करवाऊंगा। दो संख्याओं का अनुपात 11:18 है, यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाए तो रेशियो 13:20 हो जाता है, मूल नंबर बताइए। देखिए यहाँ पे समझिएगा, 11:18 का रेशो है, ठीक है, और ये रेशो कितना हो जाता है, 13:20 हो जाता है, 13:20 हो जाता है, कितना जोड़ने पर, तो 4 जोड़ने पर, के जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर। अच्छा इनका अंतर कितना है मेरे भाई, इनका अंतर कितना है, तो 7 है, ठीक है, इनका अंतर कितना है मेरे भाई, तो यहाँ भी 7 है, क्या बात है, ये तो काम आसान हो गया, यहाँ भी अंतर 7 है, यहाँ भी अंतर 7 है, डिफरेंस आप देख सकते हैं 11 से 13 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 18 से 20 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है मेरे भाई, 2 प्लस हो रहा है, जो रेशियो में प्लस हो रहा है उससे हम भागा देंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, मूल नंबर पूछे हैं, मूल संख्याएं पूछी है, कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, इस 2 का गुणा यहाँ कर दे तो 11 दुना हो जाएगा 22, और 2 का गुणा यहाँ कर दे तो 18 दुना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, समझ पा रहे हो, 2 का गुणा यहाँ करेंगे 11:22 और 18:36, किस ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है, मूल संख्या बताइए। चलिए इसमें अच्छी बात है बताने लायक, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है, आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, ये रेशो है 3:4 में, ओके, और प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है, तो 3 जोड़ा जाता है, ऐसा बोला है, 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो रेशियो हो जाता है 10:13, सही है मेरे भाई। अब आपको समझना है यहाँ पे ये सवाल मैंने क्यों लिया, देखिएगा यहाँ पे अंतर कितने का है दोस्तों, 1 का अंतर है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है, बोलिए कबूल है, यहां तक कोई परेशानी। अब सर करना क्या है आपको, इसको 1 बनाना है, सेम बनाएंगे ना, डिफरेंस को सेम करेंगे, ये 1 है तो इसको 1 बनाइए, ये 1 बनने को तैयार ही नहीं होगा, होगा तो दिक्कत देगा, बना सकते हैं लेकिन फिर जबरदस्ती वहां काम हो जाएगा, तो देखो जब ये नहीं बदलता है ना तो इसको बदल दो, सीधी सी बात है, तो ये 3 है ना, तो इसको हम 3 कैसे बना सकते हैं सर, 3 का गुणा करके, इधर 3 का गुणा करें तो यहां भी 3 का गुणा करेंगे और यहां भी किसका गुणा करेंगे, 3 का, दोनों पक्षों में गुणा तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन छोटका कर दें और आपके सामने यहां बताएं कि 3 तिया कितना होगा, तो 9 होगा, और 4 तिया कितना होगा, तो 12 होगा, तो मैं यही कहना चाह रहा था इस सवाल में कि आपको लगता है ना कि ये नहीं चेंज हो रहा है तो इसको कर लो, चलेगा, ठीक है, बिल्कुल चलेगा। अब आगे की कहानी ये बताना, 9 से 10 हो रहा है, के बड़ा, 1 बड़ा, 12 से 13 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो जो 1 बढ़ रहा है ना उस 1 से हम इसको भाग देते हैं, 1 से कितनी बार जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा, बस आंसर आने वाला है। अगर 3 का गुणा यहाँ करे तो 9 तिया होगा 27, और 3 का गुणा यहाँ करे तो 12 तिया होगा 36। आपको पता है बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, वो 3 लेके आता है, वो 3 तिया 9 करता है, 3 चौक 12 करता है, पहले ऑप्शन में मौजूद भी है जो कि गलत है। जो रेशो बाद में बना है, जिससे आप कंपेयर किए हैं, जिससे आप तुलना किए हैं, आपको उसी में तो गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब 3 आया है ना तो हम इसमें गुणा करेंगे ना कि इसमें। देखिए 9 तिया हो जाएगा 27 और 12 तिया हो जाएगा 36, 27 और 36 किस ऑप्शन में है, गुड्डू चौथा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धन धना धन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का रेशियो 4:7 था, उस 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने, यहां एक व्यक्ति का नाम है जस्टिन, ठीक है, 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने और आटा डाल दिया तो चीनी और आटे का रेशियो 2:5 हो गया, जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। बहुत बढ़िया करते हैं सवाल, अच्छा सवाल है। देखो भाई गूंथे हुए आटे की लोई में चीनी और आटे का अनुपात, यहां लिखता हूं मैं चीनी और यहां लिखता हूं मैं आटा,
अच्छा चीनी और आटे का रेशो कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे रेशो दिया है 4:7, ठीक है। और बाद में ये रेशो कितना हो जाता है? तो 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है। अब पहली बात तो ये बताइए, यहां बोला है 22 किलोग्राम की लोई में, मतलब जो 22 किलोग्राम की लोई है उसमें चीनी भी है और आटा भी है, यानी कुल मिश्रण कितना है गुड्डू? तो ये 22 केजी है। कुल मिश्रण कितना है? तो 22 केजी है, ऐसा उसमें लिखा है। देखो ना, उस 22 किलो की लोई में, उस यानी जो कुल मिश्रण है वो के किलो का है, तो 22 किलो का है। अब आगे बात करते हैं, ये बताइए उसने मिलाया क्या था? तो उसने बोला है कि और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना हो जाता है। भाई साहब वो मिला क्या रहा है? आटा मिला रहा है। क्या मिला रहा है? आटा मिला रहा है। तो बताइए जब वो आटा मिला रहा है तो चीनी का रेशो तो सेम होना चाहिए, प्रभाव किस पे पड़ेगा? आटे पे पड़ेगा। चीनी का रेशो तो सेम होना चाहिए, तो देखो भाई अगर ये 4 है तो इसको हम 4 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि चीनी का रेशो 4 है और चीनी का कितना हो गया? 2। बल्कि चीनी का रेशो सेम होना चाहिए यदि आप आटा मिला रहे हैं, तो आप आटे का रेशो सेम मत कर देना, ठीक है। आटे का रेशो तो बढ़ेगा क्योंकि आटा मिलाया जा रहा है और ये ससुरे ने और कम कर दिया, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाएंगे। 4 ही क्यों बनाएंगे सर? क्योंकि ये 4 है ऊपर, ठीक है। तो इसको 4 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। इधर 2 का गुणा किया तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर 2 से 2 कैंसिल। हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमने बहुत कुछ किया, हमारा काम हो गया। तो 2 इधर दोनों का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 2 दुना कितना होगा मेरे भाई? 4 होगा। और 5 दुना कितना होगा? 10 होगा। ये हमारा काम खत्म। अब जरा चीनी को देखिए, चीनी पहले भी 4 थी, चीनी अभी भी 4 है, मतलब हमने चीनी को सेम कर दिया। अब ये देखिए आप यहाँ पे कि आटा जो है वो 7 से 10 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। आटा 7 से 10 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। आप 3 मत लगा देना, बात को सुनिएगा। 22 किलोग्राम की लोई थी तो लोई को लोई से भागा देंगे, मतलब मिश्रण है ये, है ना, आटे का और चीनी का। तो हम देखते हैं 7 और 4 कितना होता है? 11। तो इसको 11 से भागा देंगे और गुणा किसका कर देंगे? जो पूछा है उसका, ठीक है, केजी हटा देते हैं। गुणा किसका कर देंगे? जो पूछा है उसका। उसने बोला कितना आटा मिलाया जस्टिन ने, तो उसने 3 के रेशो में मिलाया है, तो हम 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 का गुणा कर देंगे तो 11 × 22 और 3 × 2 कितना होगा? 6 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको मिश्रण एंड एलिगेशन होता है उसमें आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वहां आप चैप्टर जब हमसे पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वहां ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए जो भी है अभी आप इससे कर लीजिए, बाकी उसमें आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ये लीजिए भैया 130 नंबर, बीड़ी का बंडल नहीं है, है ना, क्वेश्चन का नंबर है 130 नंबर। ओके, एक संख्या 9:5 के अनुपात में है ना, विभाजित है, ओके। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो रेशो 5:3 हो जाए, बड़ी संख्या कौन सी है? हालांकि ये सवाल आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, कुछ बुरा ना मान जाए इसलिए। 9:5 कितना है? 5। और प्रत्येक संख्या में के जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर, लिख देते हैं 8 जोड़ने पर, बहुत सारे सवाल आए हैं इसे, इंपॉर्टेंट है। 8 जोड़ने पर रेशो हो जाता है 5:3, कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। चलिए हम डिफरेंस मेथड यूज करते हैं, इसमें अंतर कितने का है? 4 का। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। अब इसको सेम बनाते हैं डिफरेंस को, ये 4 है तो इसको 4 कैसे बनाएंगे? 2 का गुणा करके। इधर भी 2 का गुणा करेंगे, इधर भी 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। और 3 × 2 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हैं कि 9 से 10 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। 5 से 6 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो 1 से इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। अब देखिए जादू, उसने बोला बड़ की संख्या बताइए, बड़ी संख्या कौन सी है? छोटी पूछे तो छोटे के रेशो में गुणा करेंगे, बड़ी पूछे तो बड़ी के रेशो में गुणा करेंगे, कुछ नहीं करना है, 8 × 9 में गुणा कर देंगे। 8 × 9 = 72, 72 आंसर ऑप्शन में है कि नहीं है? बी नंबर। ठीक है मित्रों,
ये क्या कह रहा है, एक थैले में लाल गेंद है और हरी गेंद है, इनका रेशो 15 और 26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए तो लाल तथा हरी गेंद का रेशियो 1:2 हो जाता है। थैले में कितनी गेंदें लाल है? बहुत बढ़िया, समझना मेरे भाई, यहां तो हो गई लाल गेंदें और यहां हो गई हरी गेंदें। इसका रेशियो हमें दिया है 15:26। बोल रहा है 12 हरी गेंद और मिला दें तो रेशियो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अच्छा एक बात हम आपसे सीधी सीधी कह रहे हैं, यहीं पे देखिएगा, उसने बोला 12 हरी गेंदे और मिला दी, 12 हरी गेंदे और मिला दी, समझना 12 हरी गेंदे और मिला दी, तो हरी गेंदे मिलाई है तो हरी गेंद का रेशो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, पर हरी गेंदे मिलाई है तो लाल गेंद पे कछु प्रभाव नहीं पड़ेगा, लाल गेंदे जो थी वही के वही रहेगी, ठीक है। यानी आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको लाल गेंद का रेशियो सेम बनाना है। ऐसे सवाल है ना मिश्रण में बहुत आते हैं, दूध का रेशियो सेम करना, पानी का रेशियो सेम करना, ठीक है। अभी आप इसको समझिएगा, अगर हरी गेंदे मिलाई जा रही है, हरी गेंदे मिलाई जा रही है तो लाल तो सेम होनी चाहिए ना, तो इसको 15 कैसे बनाएंगे? यूं मत कहना कि सर 5 लिख दो, 15 कैसे बनाएंगे? तो सर यहाँ पे 15 का गुणा कर दो, क्योंकि ऊपर 15 है, इधर 15 का गुणा करोगे तो यहाँ भी 15 का गुणा करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 15 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 15 एकम 15 और यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30। कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। अब आप देखिए लाल गेंद का रेशो हमने सेम कर लिया, यहाँ भी 15 है यहाँ भी 15 है। अब देखो आप यहाँ पे कि जो हरी गेंदे हैं वो रेशो में कितना बढ़ रही है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 के रेशो में बढ़ रही है। किस रेशो में बढ़ रही है? 4 के रेशो में बढ़ रही है, और संख्या में कितनी बढ़ाई है? तो 12, तो 12 को हम 4 से भाग देंगे, कितना मिलेगा मेरे भाई? 3 मिलेगा, बस 3 मिलेगा। उसने बोला थैले में लाल गेंदे कितनी है, तो बस लाल गेंदे का रेशो 15 है ना, इस 15 का हम 3 से गुणा कर दें तो 15 या 45 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, देखिए भाई यहां पे जबरदस्त सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया है, एक धन राशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है ना, तो अनुपात 7:12 हो जाता है। प्रश्न में धन राशि कितनी है, टोटल धन राशि बतानी है। देखिए ये हम क्रॉस मेथड से करें ना, तो ये क्रॉस मेथड से हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसमें एक्स मेथड बता रहा हूं, जो कि मैंने अभी किसी सवाल में बताई नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। तो मेरे भाई इस पैटर्न के सवाल जैसे भी आए थोड़ा आप एक्स बना के कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको क्रॉस मेथड से बता दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, इनकी जो धन राशि का रेशो है वो कितना है, 4x और 7x, ये सवाल में हमें दिया है। उसने क्या बोला पता है, जैसे हम बोल देते हैं ये हो गया इथेन, ठीक है, ये हो गया इथेन और ये हो गया जेन, ठीक है, जो भी उनका नाम है देख लीजिएगा, इथेन और जेन। इसने क्या बोला पता है, जेन ने इथेन को 1 रुपया दिया, जेन ने इथेन को 1 रुपया दिया, मतलब इसके पास से 1 रुपया कम हो जाएगा और इसके पास 1 रुपया आ जाएगा, समझ पा रहे हो, इसने इसको 1 रुपया दिया है ना, तो 1 रुपया दिया जाता तो ज्यादा देता, सवाल बन गया फोकट में, है ना, इसने इसको 1 रुपया दिया तो इसके पास 1 आ जाएगा और इसके पास से 1 चला जाएगा, तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये 4x रेशो था ना, इसके पास 1 रुपया आ जाएगा तो हम लिख देते हैं 4x+1, और इसके पास से 1 चला जाएगा तो हम लिख देते हैं 7x-1। आ रही बात समझ में, किसी में घटा रहे हैं सर, किसी में जोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों, क्यों गुड्डू, क्योंकि इसके पास से 1 रुपया जा रहा है तो -1 करेंगे ना, और इसके पास 1 रुपया आ रहा है तो +1 करेंगे, ये परिवर्तन करते हैं, यहाँ परिवर्तन करते हैं तो रेशो 7:12 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:12 हो जाता है, जो मैंने लिख दिया 7:12। 7:12 का मतलब 7/12। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 का गुणा इधर, 7 का गुणा इधर, करिए हमारे साथ देखिएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48,
प्लस के, ये हो जाएगा 12 एकम 12। यहाँ पे आप एक से लिख सकते हैं, जैसे 12 चौक कितना होगा 48 एक्स, ठीक है, प्लस के ये हो जाएगा 12 एकम 12। बराबर यहाँ देखें तो 7 और 7 कितना होगा 49 और ये हो जाएगा 7 एकम 7, यानी माइनस का 7 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप यहां देख सकते हैं 12 अपनी जगह रहेगा, 7 को इधर बुला ले तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर 49x, ठीक है। अगर आप इसको उधर भेज दें तो ये माइनस का हो जाएगा 48x। यहां अगर मैं आपसे x का मान पूछूं तो दोस्तों x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 19 आएगा। बोलिए सही है क्या, x का मान कितना आएगा, 19 आएगा। अब आपको समझिए, ये हो रहा है 19, यहाँ x बचा, x का मान 19 आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 19 का गुणा 4 में करें तो इथेन की क्या था वो, इथेन का पास जितना पैसा है ना वो आ जाएगा। 19 का गुणा 7 से करें तो जेन के पास जो पैसा था वो आ जाएगा। अभी हमसे बोला है कि प्रश्न में धन राशि कितनी है, प्रश्न में धन राशि कितनी है, तो हमें करना क्या है मेरे भाई, यहाँ 19 है ना, 19 को हमें टोटल से गुणा करना पड़ेगा। तो ये बताइए टोटल 7 और 4 कितना होगा, 11 होगा, 7 और 4 11 होगा, यहाँ 11 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। कितना हो रहा है, 9 9 1 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 209 हो क्या, 209 ऑप्शन नंबर पहला खत्म, ठीक है भाई कर लीजिएगा इसको। एक सौ 33 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है, छोटकी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। गुड्डू ये प्रत्येक संख्या में नहीं कह रहा है, छोटकी संख्या में कह रहा है। इसको भी हम बेसिक से करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 17x, नीचे लिखेंगे 28x, छोटकी संख्या में 6 जोड़ दिया तो रेशो हो गया 13:20, मतलब 13 के बटे में 20, फिर क्रॉस गुणा करेंगे, ये चीजें कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। या फिर हम वो वाला तरीका लगा सकते हैं जो लाल गेंद और हरी गेंद का भी नहीं किए थे क्या, ये सेम टू सेम वैसा सवाल है। देखो हम बताते हैं, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, क्या रेशो है 17 और 28, सहमत है। ये रेशो बाद में कितना हो जाता है तो 13:20 हो जाता है, 13:20 हो जाता है छोटी संख्या में कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर, छोटी संख्या में, सुन लेना छोटी संख्या में। तो ये छोटी संख्या का रेशो ये है, तो छोटी में जोड़ रहे हैं तो बड़ी को तो सेम होना चाहिए, ठीक है। जब आप छोटी संख्या को जोड़ रहे हैं, छोटी संख्या के अंदर जोड़ रहे हैं तो बड़ी को तो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को सेम कर देते हैं, ये 28 है तो इसको 28 बनाते हैं, यूं करके बना दे 28 है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे करके 28 नहीं बन सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 का गुणा ऊपर 28 का नीचे कर दे तो भी चले। लेकिन एक और चीज है, अगर आपको पता है मैं बोलूं 28 और 20 का LCM तो लगभग 140 हम बना सकते हैं इसको, मतलब 140 कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसमें कर दूं 7 का गुणा है ना, इसमें कर दूं 5 का गुणा हो जाएगा क्या, 5 और 8 40, 5 2 10 और 4 14 हो जाएगा। यानी देखो अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं तो ये 140 हो जाएगा, और इसमें 7 का गुणा कर दूं तो ये 140 हो जाएगा। इधर 7 का गुणा करेंगे मेरे भाई तो इधर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, और इधर 5 का गुणा करेंगे तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए मेरे भाई, 17 पंजे कितना हो जाएगा 85 रेसो, 28 पंजे कितना हो जाएगा 140। यहाँ देखे तो 13 सते कितना होता है 91, और मेरे भाई 20 सते कितना हो जाएगा तो 140। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी संख्या को मैंने सेम कर लिया, लेकिन आप देखो छोटी संख्या में के प्लस हो रहा है, देखिए ना 6 प्लस हो रहा है, छोटी संख्या में 6 प्लस हो रहा है। देखो हमने जो रेशो बनाया उससे भी 6 प्लस हो रहा है, और सवाल में दिया भी है कि 6 प्लस होगा, यानी आपका आंसर डायरेक्ट आ चुका है। आपसे बोला है बड़ी संख्या बताइए तो बड़ी संख्या 140 आंसर हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन पता है आपको ऐसा भी हो सकता था कल के दिन यहाँ 6 नहीं आता, 2 आता 3 आता, तो हम फिर इससे हम इसको भागा देते, जो आता उसका गुणा बड़ी संख्या में करते, ठीक है। लेकिन यहाँ 6 से 6 कैंसिल होगा, 1 ही बचेगा, और 1 का गुणा 140 में करेंगे तो 140 ही होना है, तो हम लगा देंगे 140, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
शिवानी और परिनिधि चोपड़ा, चोपड़ा नहीं है यहाँ पे, शिवानी और परिनिधि के बीच में कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसकी रेशियो, इसकी जो आय है वो है 5x और इसकी कितनी है 7x। क्लियर है? परिनिधि शिवानी को 5 रुपए देती है, परिनिधि शिवानी को 5 रुपए देती है। परिनिधि के पास से 5 रुपए चले जाएंगे, शिवानी के पास 5 रुपए आ जाएंगे, शिवानी के पास 5 रुपए आ जाएंगे, परिणी के पास से 5 रुपए जाएंगे, शिवानी के पास 5 रुपए आएंगे, और ऐसा करने से इनका रेशो कितना हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा, मतलब 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। कर दे क्या क्रॉस गुणा? बिल्कुल करो सर, ये हो जाएगा 5×20x, ठीक है, प्लस के कितना हो रहा है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 5×20 बराबर बराबर, ठीक है। यहां देखें तो ये हो जाएगा 7×21x माइनस ये हो जाएगा 5×3 15। अब आपको पता है 20 ऐसा के ऐसा अगर मैं 15 को इधर बुला लू ना तो प्लस का हो जाएगा, ऐसे ही 21 ऐसा के ऐसा अगर हम 20 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 20x काई का माइनस का। यहां से अगर हम x का मान पता करें ना तो कितना आएगा 35 यानी 35 आएगा, सही है क्या? 35 हो जाएगा 35। अब क्या कर सकते हैं, उसने क्या बोला है कि विभाजित की गई धनराशि क्या है। शुरू में क्या बोला था, शिवानी और परिणीति को इस अनुपात में राशि बांटी गई, यानी हमें धनराशि पता करना है, कुछ नहीं करना है, इस 35 में गुणा कर देंगे कुल राशि का। तो ये बताइए 5 और 7 कितना होगा, 12 होगा, 12 का यहां गुणा कर देते हैं तो 12×5=60 की 0 हासिल कितना हो जाएगा 6, 12×3 होता है 36, 36 में 6 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 42, 420 हमारा आंसर हो जाएगा, 420 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए मैंने पहले ही बोला था, क्या रहता है कि शुरू में जब सरल सरल सवाल होते हैं तो हर कोई पढ़ता है, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के सवाल बहुत सरल थे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ऐसी बात नहीं, आगे टफ सवाल आएंगे। अभी जैसे सिक्के वाले सवाल अनुपात समानुपात में बहुत बनते हैं, जो कि हम आगे क्लास में कवर करेंगे, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, कुछ भी पेपर में आ सकता है। तो आपको चैप्टर 0 से हीरो लेवल तक पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हमने सरल सरल पढ़ लिया और कठिन कठिन छोड़ दिया, या फिर कठिन कठिन पढ़ रहे हैं सरल सरल आ ही नहीं रहा है, तो हमको सब चीजें कवर करनी है मेरे भाई, इसलिए हम हर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, चाहे वो छोटे से लेकर बड़ा तक हो। आप देखिएगा, पूरी सीरीज देखिएगा, जो जो अनुपात हमने कराई है, पहले क्वेश्चन से लेकर जो अभी तक 135 हो रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं और आगे भी सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। क्या कह रहा है सवाल, बनाइए इसको। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का रेशो 4:5 है, यदि 4 नए लड़के और आ जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, लड़कियों की संख्या बताइए। यहां लिखते हैं बॉयज और यहां लिखते हैं गर्ल्स, इनका रेशो कितना है 4:5 है। उसने बोला कि 4 लड़के नए आ जाए, तो प्रवेश कौन कर रहा है, लड़के, 4 लड़के नए आ रहे हैं, ये बताओ लड़के आ रहे हैं नए तो लड़कियों के रेशो पे कछु प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, लड़कियों का रेशो तो वही रहेगा जो पहले था, लड़कों के रेशो पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें 20% की वृद्धि होगी। अगर 4 में मैं 120 का वृद्धि करूं, मतलब 20% की वृद्धि करूं, तो इसको लिखेंगे 120/100। पुरानी क्लास देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि परसेंट अधिक हो तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, कम हो तो 100 में घटा के लिखते हैं। 0×0=12 हो जाएगा, नीचे 10 है तो हम एक अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी जो लड़कों का नया रेशियो होगा वो होगा 4.8। क्या होगा? 4.8। कैसे हो रहा है ये भैया? जब 4 में हम 20% की वृद्धि करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 4.8। हम देखते हैं कि कितना बढ़ रहा है, तो 0.8 की वृद्धि हो रही है, 0.8 की वृद्धि हो रही है, घटा के देख लीजिए, तो ये जो वृद्धि है ना, ये 4 लड़कों के बराबर है। तो वृद्धि संख्या में कितनी है 4, यूनिट में कितनी आ रही है 0.8, तो हम क्या करेंगे 4 में है ना भागा देंगे 0.8 से, जो पूछा उसका गुणा कर दो। हमसे बोला लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों का रेशो कितना है 5, अभी भी 5 है, पहले भी 5 था, तो हम 5 का यहां गुणा कर देंगे। चलिए
पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगेगी, जमाना नीचे जीरो लगाता है सर, आप जीरो ऊपर लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लगाएंगे वो ऊपर ही जाएगी, तो हम डायरेक्ट ऊपर जीरो लगा दिए। अगर हम यहाँ देखें तो आटो पंजे हो जाएगा 40 और पांच पांच कितना हो जाएगा 25, 25 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल मिश्रण में आने चाहिए थे, अनुपात समानुपात में आ रहे हैं। देखिए ये उसमें भी दिखेंगे आपको, बताए मिश्रण में 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 4:1 है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए ताकि रेशो 16:1 हो जाए। शानदार सा तरीका बता रहा हूं, देखिएगा ये दूध और पानी का रेशो कितना है 4:1, अगर दूध मिला दिया जाए और तो रेशो हो जाएगा 16:1, ठीक है, सरल है। अच्छा बताइए कितने लीटर का मिश्रण है, 25 लीटर का, ठीक है। अब आप देखिए दूध मिलाया जा रहा है तो पानी पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं, पानी तो सेम रहेगा। देखो उस बेचारे ने हमको सेम टू सेम बना के दिया, मतलब एक है तो एक ही है, कछु आपको सेम नहीं करना, आप तो दूध को देखिएगा, दूध में कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 की वृद्धि हो रही है, जितने की वृद्धि हो रही है वो रहेगा साथ में, और मिश्रण को मिश्रण से भाग दे देंगे, 25 लीटर का मिश्रण है ना, तो ई दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं। ये बताइए 4:1 कितना होगा, 5, 4:1 कितना होगा, 5, यदि 5 से हम भागा दें तो कितना बनेगा, 5 5 25, और ये हो जाएगा 12 5 60, 60 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चलिए। धांसू सवाल, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का रेशियो 11:13 है, यदि 12 और लड़कियां प्रवेश करें तो नया रेशियो क्या होगा। पहले नाम दिया है गर्ल्स, फिर दिया है बॉयज, ठीक है, लड़कियां और लड़के इनका रेशियो देखें तो 11:13 है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा टोटल कितने स्टूडेंट है तो 504, यहाँ पे सबसे पहले टोटल से टोटल को भाग देना पड़ेगा, तो 11 और 13 को हम जोड़ें तो ये कितना हो रहा है 4 24 हो रहा है, 24, और 24 से काटे तो 24 2 48, और ये कितना हो रहा है 2 बचेगा, 24 एकम 24, 21 आ रहा है। यदि 21 का गुणा यहां करते हैं 11 में तो लड़कियों की संख्या मिलेगी, 21 का गुणा 13 में करें तो लड़कों की संख्या मिलेगी, गुणा तो करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 2 और 1 3, और ये 2 ऐसा कैसा, ये लड़की आ गई, 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, 13 दुनी 26, 26 और 1 हो जाएगा 27, 273, बोलिए सही जा रहे हैं, 273। उसने क्या बोला पता है, उसने बोला कि 12 लड़कियां और प्रवेश लेती है तो 12 इसमें जुड़ जाएगी, 12 जोड़ेंगे ना, लड़कियां आ रही है तो यहां कितना हो जाएगा 3 4 और 2, और लड़कों के रेशो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि लड़कों ने एडमिशन नहीं लिया, 12 लड़कियों ने प्रवेश लिया है तो लड़कों का रेशो सेम रहेगा। अगर ये एक ही पहाड़े से कटता है तो काट दीजिए, अन्यथा यही आंसर होगा, तो कटेगा तो सही, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 3 1 3 और 3 9 27 3 1 3, 99 81, अब नहीं कटेगा, है ना, हमें ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो रेशो 2:3 हो जाता है, संख्याओं का योगफल बताइए, प्रत्येक संख्या में वृद्धि हो या प्रत्येक संख्या में कमी हो, ये टाइप हमने आपको पीछे कराया है, तो इसमें आपका कर्तव्य है कि इस क्वेश्चन को आप करें, ठीक है। ये दे देता हूं मैं RW में, सेम अप्रोच पे सवाल है, अगर आप पीछे सवाल देख के आए हैं तो मेरी गारंटी है कि आप ये सवाल बना देंगे, इसलिए उनको देख के इस सवाल को बनाने की कोशिश करिएगा, जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा।
लोको पायलट। चलिए 139, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक संख्या 3:2 के अनुपात में है, बना देते हैं हम इसको। ये संख्या 3:2 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो रेशियो 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये पहली संख्या ए, ये दूसरी संख्या बी। अगर यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 8 जुड़वा रहा है, यहाँ पे अंतर कितने का है दोस्तों, 1 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का है तो 2 का अंतर है। आपको यही बताया था कि अंतर को समान बना लो, तो ये 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 का गुणा और दोस्तों यहाँ भी 2 का गुणा। क्लियर है आपको सब कुछ। अब आगे देखिए यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 3 दुना कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 दुना कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 6 से 7 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, 4 से 5 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, और जो 1 होगा वो किसके बराबर होगा, 8 के। तो यानी 8 में हम 1 से भाग दें तो प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ेगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। उसने क्या बोला हमसे कि बड़की संख्या बताइए, छोटकी पूछता तो 8 का गुणा किससे करते, 4 से। बड़ी पूछ रहा है तो 8 का गुणा किससे करेंगे, 6 से। 8 × 6 हो जाएगा 48, 48 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हमने आगे भी करे हैं, आप जाके देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है, 7 और लाल गेंदे डाल दी जाए तो लाल और हरी गेंदों का रेशो 5:6 होगा, हरी गेंदे कितनी है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमने आगे किया था, आपको पता है उसमें हरी गेंदे मिलाई थी, इस सवाल में हमसे लाल मिलवाई जा रही है, देख रहे हो क्या क्या करवाया जा रहा है, यहाँ लाल है यहाँ हरी है, तो हम लिख देते हैं लाल ही लाल और यहाँ लिख देते हैं हरी कच्छ, ठीक है। रेशो कितना है 4:9, यहाँ डिफरेंस मेथड का जरूरत नहीं है लगाने की, देखो हम आपको बताते हैं फिर सुनिएगा। यहाँ पे लाल और हरी गेंदों का रेशो 5:6 हो जाता है, यहाँ 5 लिखेंगे यहाँ 6 लिखेंगे, क्लियर है। अब आप थोड़ा समझना, उसने क्या बोला, 7 लाल गेंदे को मिलाया गया तो लाल गेंदों का रेशो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए सर, पर हरी का रेशो सेम होना चाहिए, हरी गेंदों का रेशो सेम होना चाहिए, क्योंकि आप लाल गेंदे मिला रहे हो तो हरी का है प्रभावित होगी, ठीक है। तो इन दोनों को सेम कैसे करें, इसको 9 कैसे बनाएं, यूं मत कहना सर उल्टा कर दो, है ना। देखो इन दोनों का अगर एलसीएम देखे तो 18 होता है, ये 18 कैसे बनेगा 2 का गुणा करने पर, ये 18 कैसे बनेगा 3 का गुणा करने पर, इधर 3 का गुणा किए तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे, इधर 2 का गुणा किए तो इधर भी 2 का गुणा करेंगे, क्या बोलती कंपनी, सही है। चलिए अगर मैं इनका व्यवस्थित नया रेशियो देखूं तो ये हो जाएगा 4×8 और ये हो जाएगा 5×3=15, उधर देखे कोकचे में तो 9×2=18 और ये हो जाएगा दोस्तों 6×3=18, बोलिए सही है। अब आप देखो कि जो लाल गेंदों की संख्या है वो कितनी बढ़ रही है, 7 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 7 बढ़ रही है, और उसने बोला भी है कि 7 लाल गेंदे मिलाई जाती है, मतलब जो उसने मिलाई है वो हमारा यूनिट में आ रहा है, 7 बराबर 7 के, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 का गुणा किसी से भी करो यही संख्या मिलेगी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि हरी गेंदे कितनी है तो 18 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बनाइए, देखिए इस सवाल में भी लोई बनाई जा रही है, लोई है ना। 9 किलोग्राम गूंथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है, शक्कर और आटा, ठीक है। देखो भाई हम यहां लिख देते हैं चीनी, है ना, शक्कर मतलब, और यहां लिख देते हैं आटा। इसका प्रारंभिक रेशो का दे रखा है 2:7, टोटल मिश्रण के है 9 किलो का, है ना, जॉन सीना, और अधिक शक्कर मिला देता है, ठीक है, शक्कर मिला देता है तो रेशो 2:5 हो जाता है। मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है तो कितना शक्कर जॉन ने मिलाई, कोई बात नहीं हो जाएगा।
आपको पता है, हम ये देख रहे थे कि यार शक्कर मिला रहा है तो शक्कर का रेशो बढ़ना चाहिए, शक्कर का रेशो सेम है और आटे का रेशो सेम होना चाहिए, आटे का रेशो सेम होना चाहिए। तो ई दोनों को सेम कैसे बनाएंगे, क्रॉस गुणा कर देते हैं, ई 5 का गुणा इधर कर देते हैं और 7 का गुणा नीचे कर देते हैं। समझना, 5 का गुणा ऊपर कर दिया, 7 का गुणा नीचे कर दिया, इससे क्या होगा सर, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 होंगे ना सेम। लेकिन हमारा बस तो चल नहीं रहा कि इधर ही गुणा करें, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर 5 का गुणा तो यहाँ भी 5 का गुणा, इधर 7 का गुणा तो यहाँ भी 7 का गुणा। अब आप थोड़ा सा मेहरबानी करके नया रेशियो देख लीजिए तो अच्छा लगेगा। ये बताइए 5 × 2 कितना होगा 10, उधर देखे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, इधर देखे तो 7 × 2 कितना 14 और इधर देखे तो 7 × 5 कितना 35। अब देखो आटे का रेशो सेम हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने आटा मिला ही नहीं, हमने आटे का रेशो सेव कर लिया, सेम कर लिया मतलब। और हमें चाहिए शक्कर कितनी मिलाई ये पता करना है, तो यूनिट में कितनी मिलाई जा रही है 4, यूनिट में कितनी मिलाई जा रही है 4, और टोटल कितने किलो का है भैया 9 किलोग्राम गुथा हुआ आटा है, टोटल मिश्रण 9 किलो का है, 9 नहीं मिलाई, मिश्रण 9 किलो का है, तो इस 9 को हम मिश्रण से भाग देंगे। तो बताइए 35 और 10 कितना होगा, 35 और 10 कितना होगा 45, और गुणा किसका कर देंगे, जो यूनिट में बढ़ रही है वो शक्कर, कितनी बढ़ रही है 4। अगर हम यहां देखें तो 9 × 5 = 45 है ना, ये हो रहा है 4/5, 4/5 का मतलब 0.8 किलोग्राम, 0.8 किलोग्राम, जिसको मैं बोल सकता हूं 800 ग्राम आंसर। अरे भैया कंफ्यूज मत होना, ये किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही आंसर आएगा ना। ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहीं 1000 का गुणा कर दो ये ग्राम बन जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ पे 1000 का गुणा मार दो ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। गुणा करने पे यूनिट छोटी होती है, भागा देने पे यूनिट बड़ी होती है, हम गुणा कर देंगे तो वो ग्राम में हो जाएगी, यानी 800 ग्राम हमारा आंसर होगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 का शानदार सा सवाल, एक फर्म में पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो 4:7 है, 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाए तो रेशियो 7:12 हो जाता है, स्थानांतरण से पहले पुरुष की संख्या कितनी थी। देखो भाई इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं ठीक है। बेसिक से करें तो कुछ कठिन नहीं है, सरल ही है, ये 4x और ये 7x, 50 पुरुष जा रहे हैं तो 50 पुरुष को हटा दो, 100 महिला जा रही है तो 100 महिला को कम कर दो मतलब माइनस कर दो, तो रेशो 7:12 हो जाता है, तो ये 7/12 क्रॉस गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा ठीक है। इसी का एक और डायरेक्ट तरीका हम ये भी कर सकते हैं थोड़ा सा, कि ये हो गया पुरुष है ना, P4 पुरुष और M4 हो जाएगी महिला, तो यहाँ पे रेशो कितना है 4:7, बाद में कितना हो जाता है 7:12 ठीक है। कितना कितना कम हो रहा है, 50 पुरुष कम होते हैं और 100 महिला कम होती है, 100 महिला कम होती है, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, तो यहाँ हम एक तरीका लगा सकते हैं। देखो 12 × 5 = 60 कितना हो रहा है 600 डिफरेंस, 7 का गुणा हम 100 से करें तो ये हो जाएगा 700, ये दोनों का अगर अंतर ले लें तो कितना आएगा 100 आएगा, सहमत है, अंतर 100 आएगा। वंस अगेन 12 × 4 कितना होगा 48 डिफरेंस, 7 × 7 कितना होगा 49, क्रॉस गुणा किया है, इसमें कितने का अंतर है 1 का। अब आपको करना क्या है, 1 बराबर रखेंगे 100 के, यानी 1 बराबर है 100 के, तो 1 से 100 को भागा देंगे तो 100 ही आएगा, 100 का गुणा यहां करें तो 400 हो जाएगा, 100 का गुणा यहां करें तो 700 हो जाएगा, ये सवाल खत्म। अगर हम बोले महिलाएं कितनी थी तो 700, पुरुष कितने थे तो 400, अगर 400 में 50 कम कर दे तो बाद में कितने हो गए 350, 700 में से 100 महिलाएं चली गई तो बाद में कितनी होगी 600। हमसे बोला है स्थानांतरण के पहले पुरुष कितने थे, क्या लगाएंगे भाइयों 400, ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक तरीके अनेक ठीक है। अरुण और आहान के पास धन राशि का रेशो इतना है,
अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहन को देता है। ये वैसे ही सवाल है वहां जो हितेश ने जेन को दिया था, इथेन और जेन को 1 रुपया बांटता है। उस पैटर्न का आप इसको कर सकते हो। 143 योर फेवरेट नंबर, ठीक है। तो बाबू इसको आपको करना है पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, और जो भी इसका आंसर है हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं और ये आपका टाइप खत्म हो जाएगा। टाइप के साथ साथ अगली क्लास में हम नए टाइप के साथ मिलेंगे, इसको करते हैं। ये भी आपके लायक है लेकिन हम कर देते हैं, नहीं तो खलनायक हो जाएगा। ए और बी दो संख्या का रेशो 3:5 है, 3:5। प्रत्येक संख्या में 9 घटा दे तो रेशो 5:9 हो जाता है, 5:9 हो जाता है। चलिए डिफरेंस मेथड, कितने का अंतर है ससुराई, दोनों में 2 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है। अगर हम यहां देखें ये 4 है, इसको भी 4 बना देते हैं, यहां 2 का गुणा कर देते हैं। इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गुणा कर दें तो आप देख सकते हैं यहां कितना हो जाएगा, 3 × 6 और इधर हो जाएगा 5 × 10। 6 से 5 हो रहा है, 1 कम हो रहा है, और 10 से 9 हो रहा है, यहां भी 1 कम हो रहा है, और संख्या में कितना कम हो रहा है, 9। तो 9 को यदि 1 से भाग दें तो 9 ही बनेगा, सहमत है, 9 ही बनेगा। इस 9 का गुणा उससे कर दो जो आपसे पूछा है। छोटी राशि बताइए तो छोटी से गुणा, बड़की पूछे तो बड़ी से गुणा। छोटी वाली कितनी है, 6 है, तो 6 से गुणा करें, 9×54 54 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मित्रों। बाकी जिस किसी सवाल में प्रॉब्लम आती है तो उसको आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसको आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ। जय हिंद।